हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैकग्राउंड जीरो माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू ब्लॉग में। जैसे गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख के ही पता चल रहा होगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मंगुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। बस आप देख सकते हैं मंगुआ अभी थोड़ा सा दिन के लिए आए हैं बच्चे लोग, और आप देख सकते हैं बच्चे लोग जो है टोकनी रखे हुए हैं, और हम जा रहे हैं अपने अपने खेत में जो है मंगुआ है का पेड़ है एक दो ठो, तो वहाँ गाइस हम जा रहे हैं कि कितना मंगुआ गिरा है और कितना मंगुआ कैसे मंगुआ बिनते हैं ये पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं माई वाइफ और माई राजा बाबू, माई चाइल्ड राजनंदी, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। हाँ देखो राजा बाबू क्या बोल रहा है कि हम मंगुआ बिनते हैं। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब चलते हैं खेत और देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार मंगुआ बिछा हुआ है, कैसे उसको बिना जाता है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लेट्स गो। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग खेत आ गए हैं, और ये देख सकते हैं हमारी माता जी है जो मंगुआ बिन के घर जा रही है, और इधर भी और बहुत सारे पेड़ है हमारे, और एक दादी है उनकी पेड़ है। तो चलते हैं वहाँ पे जाके आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार रास्ता है, भीड़ है यहाँ, बहुत घास फूस देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इस तरफ दूसरे का माता है, इस तरफ हमारा है, तो हम लोग भीड़ है भीड़ रास्ता बनाए हैं। दोस्तों देख सकते हो ये आम का पेड़ है और आगे भी आम का पेड़ है, बहुत अच्छा स्वाद है इस आम का। बाकी इस बार शायद कम फरेगा, इसका जो कराहा है नहीं दिख रहा है इस आम में। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार डेंजर रास्ता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। चलिए मैं इस तरीके से आपको ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। चलो 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 फटाफट, देख सकते दोस्तों फैमिली लोग हैं, चलो चलते हाँ चलते रहो क्या बात है। और ये देख सकते हो, तो गाइस इस प्रकार देख सकते हो यहाँ बहुत सारे घास फूस है और डेंजर एरिया है, देख सकते हो यहाँ चारों तरफ बरमसिया, हम लोग इसको बरमसिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग खेत पहुँच गया है और ये महुआ का पेड़ कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। और उधर भी एक महुआ का पेड़ है, एक उधर भी है, और इधर भी आप देख सकते हो वहाँ पास भी ये सब महुआ का पेड़ है। और एक इस ऋतु में जो है महुए गिरता है, आप लोग क्या बोलते हैं महुआ, हम लोग तो महुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार महुए बहुत सारे गिरे हुए हैं बड़ी बारीकी से, इस प्रकार गांव में जो है लोग बाग इसको बिन कर और सुखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई वाइफ को आज ट्रेनिंग देने के लिए लाए हैं, तो बिन रही है। इधर देखो, हेलो करो थोड़ा देख सकते हैं कुछ, ये भी महुआ बिन रही है। और इधर राजा बाबू है, राजा बाबू इधर देखो, हाय हाय करो थोड़ा। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार जो माय वाइफ, इधर देखो हेलो करो थोड़ा, ये देख सकते हैं माय वाइफ है। और राजनंदी इधर देखो, और वहाँ पर बड़ी मम्मी है, और उधर भौजाई है, देख सकते हो हम गाँव वहाँ से हम भौजाई बोलते हैं, आप लोग भाभी बोलते होंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार महुआ बहुत सारे बिछे हुए है, बहुत ही सुंदर महुआ दिख रहा है। तो गाइस और बताना चाहूंगा महुआ बिनने में कोई तकलीफ नहीं है, सबसे बड़ा तकलीफ यहाँ बहुत बड़ा धूप है। तो आप देख सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में धूप है गाइस, और देख सकते हैं गांवों में जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं जो जिनके यहाँ महुए होता है, तो कुछ इस प्रकार महुए बिनते हैं गाइस। बहुत धूप रहता है, कड़ी धूप में बड़ी बारीकी से महुए, देख सकते हो आप इतना, अगर कहा जाए तो हजारों से भी ज़्यादा संख्या में यह महुए है। अगर कहा जाए 5-10 हज़ार दाने हो सकते हैं, 50 हज़ार भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार। ये एरिया में पूरा जब बिछता है पूरा महुआ, यहाँ तो बिन चुके हैं वो एरिया में देख सकते हो, एकदम लाइन के बाद महुए गिरे हुए हैं। तो इसको एक एक महुए को बिनना गाइस बहुत मुसीबत, मतलब कठिन परिश्रम करके ही बिनते हैं। और इस प्रकार क्या है कि बहुत समस्या होता है, बड़ी बारीकी से बिना जाता है, मतलब बिनना पड़ता है, तब जाके जो है गांव की भाषा में आप बड़ा सा एक टोकना बोलते होंगे, जानते होंगे, तो एक टोकना निकलता है और उसको सुखवाने के बाद गाइस वो महुआ थोड़ा सा हो जाता है 4-5 किलो के समथिंग। लगातार कंटिन्यू 10-15 दिन तक शायद महुए इस प्रकार बिना जाता है। तो इन्हीं यही जो महुआ उनका रोजगार है, इसी रोजगार के माध्यम से जो है गांव के लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। देख सकते दोस्तों कुछ इस प्रकार भी इतना बड़ा जो महुए का पेड़ है उसमें से अभी तक जो है इतना महुआ भी निकला है, आप देख सकते हो ये जो टोकनियों में रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे अभी लगातार कंटिन्यू जो है सभी परिवार के लोग बिन रहे हैं, और उधर भी अभी फिर से दोबारा गिर गया है पीछे वाला पट्टी में, उधर से फिर से बिना जाएगा। और जो हमारे भाई लोग नहीं जानते होंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार महुए का सीन है, आप देख सकते हो ये मैं हाथ में उठा लिया हूँ, छूने में तो दोस्तों बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा नाजुक रहता है। और बताना चाहूँगा इसी महुए से लोग बाग गाँवों में शराब बनाते हैं, जो हमारे भाई लोग नहीं जानते होंगे। तो बताना चाहूँगा
कि इस मऊहे का जो पब्लिक बीनते हैं तो ये क्या काम आता है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं, जैसे आप शहरी क्षेत्र के हैं तो कुछ लोग भाई लोग इसको नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है, तो गांव के भाषा में इसको मऊहा बोलते हैं। और आपने देखा होगा गांवों में जो शराब पीकर लोग घूमते हैं तो इसी मऊहे के द्वारा ही शराब बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं। इसलिए गांव के लोग जो है इसको बीनते हैं, बीनने के बाद सुखाते हैं, सुखवाने के बाद इसको दुकानों में बेच देते हैं, दुकान के माध्यम से फिर व्यक्ति खरीद ले जाते हैं और इसी मऊहे के माध्यम से शराब बनाया जाता है, जो मदिरा आप लोग देखे होंगे लोग बाग पीते हैं गाँव में, तो इसी मऊहे के द्वारा बनाया जाता है। देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार मऊहे जो पूरा इकट्ठा किया गया है और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत दोबारा गिर गया है तो उसको फिर से बीना जा रहा है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये पूरा अपना फैमिली है, परिवार के सदस्य हैं। और बताना चाहूँगा गाइस कि इस प्रकार गांवों में जो है मऊहे बीना जाता है और टोटल मऊहा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार टोकरी में रखा गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बहुत सारे मऊहे हैं और ये माए बच्चे लोग जो है मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो चलिए गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गाँव में किस प्रकार मऊहा बीना जाता है, कैसे एक एक मेहनत बड़ी कठिन परिश्रम करके मऊहे को एकत्रित किया जाता है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो में आप बताइएगा कमेंट करके, और साथ में गाइस मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और साथ में जो हमारे नए भाई लोग देख रहे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।